हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने देख लिया कि किस तरीके से हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, उसमें हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे उसकी प्रेजेंस है, स्टेट है, उसके बेस पे इलेक्ट्रॉन को जो एलिमेंट्स को है या पीरियोडिक टेबल को, उसको फोर ब्लॉक्स में डिवाइड किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ। सो नाउ अब हम एक एक करके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिनके हिसाब से हमें, जैसे एटॉमिक रेडियस हो गया, आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टुडे अवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज अबाउट एटॉमिक रेडियस। सो स्टार्ट हम बेसिक टॉपिक से करेंगे, विच इज योर एटॉमिक रेडियस। सो अगर सिंपली बात करें, व्हाट इज योर रेडियस, तो आप क्या बोलते हो? रेडियस के बारे में बात करते हो, आप क्या बोलते हो कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम एंड द आउटर मोस्ट बाउंड्री स्टेट या आउटर मोस्ट स्टेट। ठीक है, जो वो डिस्टेंस होता है सेंटर से और उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री से, ठीक है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। अगर आप सिंपल सर्कल का एग्जाम्पल हो तो आप उसे ज्यादा क्लियर समझ सकते हो। ठीक है, सो एटम का जो डेफिनेशन आई एटम की रेडियस की, वो भी कुछ ऐसे ही थी। सो जो पहली डेफिनेशन आई, द डेफिनेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। यानी कि उन्होंने बोला कि जो एटम का अगर हम रेडियस डिफाइन करें, सो सेंटर से जो डिस्टेंस है और टू द आउटर मोस्ट, सपोज दैट इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन शेल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने सपोज कहा कि हाँ, तो जो डिस्टेंस बोला उन्होंने बोला क्या है, वो योर एटॉमिक रेडियस। ठीक है, और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है, वो एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द पॉइंट विच इज द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मैक्सिमम। ठीक है, जहां पे द इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। सो लेटर ऑन ये चीजें कहाँ पे फेल हुई, ये जो आपकी डेफिनेशन है, यहाँ पे तब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब हमें ये आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है, वो क्या, एटम का जो स्ट्रक्चर है, उसको कैसे बोला कि इलेक्ट्रॉन हैव वेव नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर है? वेव। तो वेव की तरह तो उसकी कोई हम बाउंड्री फिक्स नहीं कर सकते। सो जब हमें आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं पता, तो उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन भी रॉन्ग प्रूफ हो गई। ठीक है, सो जो साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हमें किसी भी एटम का जो रेडियस है वो हम आइसोलेटेड स्टेट में नहीं बता सकते, उसे क्या होना चाहिए, आपके कोवेलेंट स्टेट यानी कि बॉन्डेड स्टेट में होना चाहिए या इंटरेक्शन स्टेट में होना चाहिए, यानी वो किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाना मतलब उसका होना बहुत जरूरी है, या तो फिर वो क्या है, किसी के साथ इंटरेक्ट करे, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, सो देख लेते हैं एटॉमिक, जो इसके बेस पे, इस डेफिनेशन के बेस पे जो मॉडर्न डेफिनेशन आएंगे उसके बेस पे जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या है, चार पार्ट्स में डिवाइड हुई। फर्स्ट इज योर कोवेलेंट रेडियाई, सेकंड इज योर वेंडरवॉल रेडियाई, थर्ड इज मेटालिक एंड फोर्थ इज आयनिक रेडियाई। सो एक एक करके हम पहले देखेंगे कि क्या क्या डेफिनेशन है इनकी, बाद में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वेरिएशन होता है पीरियड में और ग्रुप में एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, वो जानना बहुत जरूरी है, और उसके पीछे का रीजन, जहां पे एक्सेप्शन है वहां पे आपको एक्सेप्शन भी ध्यान में रखना है। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, सो बेसिकली जो अगर आपको जानना है कि, तो कोवेलेंट वर्ड का मीनिंग क्या, अगर हम कोवेलेंट की बात करें तो जो हमारे बॉन्ड होते हैं वो दो टाइप के बनते हैं, बॉन्ड तो बहुत टाइप के बनते हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं बेसिकली, आपने टेंथ में पढ़ा होगा आयनिक वर्ड पढ़ा होगा और कोवेलेंट वर्ड पढ़ा होगा। सो आयनिक वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक ही एटम क्या होता है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन, बाद में पढ़ेंगे। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, कोवेलेंट वर्ड में क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि सपोज दैट आप बोलते हो आपने बिजनेस सेटअप किया, दो पार्टनर है, तो 50-50% दोनों का शेयर हो रहा है उसमें। ठीक है, सो वो क्या, एक कोवेलेंट बिजनेस है जिसमें दोनों शेयरिंग करते हैं। सो कोवेलेंट रेडियस भी क्या है कि दोनों एटम का क्या है, शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो शेयरिंग ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के बारे में ही होगी। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं कि इस तरीके से, सपोज दैट आपके पास, अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें कि एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन है, इट इज द वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम ऑफ द सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम है और एक ही सेम मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट आप बोलते हो एक आपके पास H2 मॉलिक्यूल है, या फिर जनरल एग्जांपल बात करो तो A2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो एक ही बात करते हो, तो एक के पास ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो जो ये शेयरिंग हो रही है, इसे क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है जिनकी वजह से। ठीक है, सो इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये इसका सेंटर है A का और ये भी A का,
तो जो ये सेंटर का जो ये डिस्टेंस है, इसे क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड लेंथ। इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड बना है, इसे हमने डी से शो कर दिया। और जो ये इसका अगर हम हाफ कर दे तो ये क्या है, इसका रेडियस, यानी ए टू मॉलिक्यूल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, दोनों के बीच का वन हाफ डिस्टेंस होगा। दोनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो रेडियस होगा वो क्या होगा, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी कि सेम एलिमेंट के जो जो बॉन्ड बन रहा है न्यूक्लियस से, जो डिस्टेंस जा रहा है उसका अगर हम हाफ कर दें, वन हाफ कर दें, सो वो क्या आएगा, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, अब कोवेलेंट रेडियस दो टाइप के भी हो सकते हैं आपके, जिसमें नंबर वन अगर मैं बात करूं कि जिसमें एटम का जो एलिमेंट, जो ये आपके एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, यानी कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। अब यहाँ पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड, तो पैनिक नहीं होना, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करते रहेंगे तो आपको और क्लियर होगा। सो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है कि सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो, मतलब दो कंडीशन है, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो और या फिर डिफरेंट हो। अगर सेम होगी तो आपका फॉर्मूला एज इट इज, और अगर डिफरेंट होगी तो उसमें से कुछ अमाउंट सब्ट्रैक्ट होगी, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको सिर्फ इतना ही जानना है। सो ये इतना है। ठीक है, सो अब ये तो था आपका कोवेलेंट रेडियस जिसके बारे में पढ़ लेते हैं। और अगर इसका एक जनरल एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल है आपका H2 मॉलिक्यूल्स, एंड आप ले सकते हो आपका Cl2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, अगर आप बुक खोलोगे, और बुक्स में काफी जगह डिस्कस किया हुआ भी है कि जो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसका जो हाइड्रोजन क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में H2 मॉलिक्यूल्स का जो न्यूक्लियस जो रेडियस होगा वो क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 74 पिकोमीटर समथिंग। ठीक है, ये जो आपकी यूनिट होती है आपको याद रखनी बहुत जरूरी होती है, 74 पिकोमीटर होती है। तो जो डिस्टेंस, जो इनका रेडियस होगा दोनों के बीच का, वो क्या, जस्ट हाफ ऑफ 74 विच इज योर 37 पिकोमीटर। और एंगस्ट्रॉन की बात करें, आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 10^-10 मीटर। सो अगर आप इसे एंगस्ट्रॉन में बदल दो तो क्या 0.37 पिकोमीटर एंगस्ट्रॉन। ठीक है, सो ये था आपका कोवेलेंट रेडियस। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं आपके बारे में वैन डर वाल रेडियस। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका वैन डर वाल रेडियस। सो जो वैन डर वाल रेडियस है वो बेसिकली आपका वो बॉन्ड बनता है जब कोई भी, क्या कहते हैं, आपका रेडियस वो होता है जहां पे कोई भी बॉन्ड नहीं बनता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो एग्जांपल दे सकते हैं आप नोबल गैसेस का। ठीक है, नोबल गैसेस के आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आप नोबल गैसेस में आप क्या कहते हैं, क्रिप्टन आते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं उनकी जो आपकी नोबल गैसेस है वो आपके क्या बनाते हैं, बेसिकली वैन डर वाल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा ना इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर वीक अट्रैक्शन, सो वो क्या होता है आपका वैन डर वाल रेडियस ही होता है। ठीक है, सो जो वैन डर वाल रेडियस होता है वो क्या होता है एक्चुअली, कि इसके अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो इसका डेफिनेशन है, इट स्टेट्स दैट इट इज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम और टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स बिलोंगिंग टू द टू नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इन द सॉलिड स्टेट। यानी कि बेसिकली वैन डर वाल अगर जो बात करता है वो किस स्टेट की बात करता है, सॉलिड स्टेट की बात करता है। इस डेफिनेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो बोलता है वो क्या बोलता है, टू आइडेंटिकल एंड आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम। ठीक है, नॉन बॉन्डेड जो बॉन्ड में फॉर्म नहीं कर रहा है, आइसोलेटेड यानी कि जो अलग है। सो बेसिकली वो क्या है कि इस बारे में बात कर रहा है, जैसे आपके नोबल गैसेस ही हैं। और अगर हम इसे सिंपल से डायग्राम से समझें तो डायग्राम में अगर आप देख सकते हो, डायग्राम एक बार बना के देखते हैं। जैसे आपने सपोज दैट ए एंड बी ले लिया कोई भी मॉलिक्यूल, और ए और बी का जो आपका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से, इस तरीके का है। ठीक है, ए एंड बी, एंड दूसरे का भी क्या है आपका, डायग्राम पे ज्यादा मत जाना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना कि क्या है। ठीक है, सो अगर हम बेसिकली इसके बारे में बात करें तो जो डिस्टेंस है वो क्या डिस्टेंस है कि जो इस मॉलिक्यूल का यहां से और इस सेंटर का जो डिस्टेंस है, ठीक है, हम इसके बारे में बात करें, और उसको क्या बोलते हैं, जस्ट हाफ है। यानी कि इन दोनों का खुद का अगर हम बात करें, इन दोनों का खुद का एक वो अगर खुद का देखें तो वो क्या है, कोवेलेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात करें तो इसका मतलब हम कोवेलेंट रेडियस। लेकिन अगर हम इन दोनों के सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वैन डर वाल रेडियस के बारे में। ठीक है, सो दिस इज योर वैन डर वाल रेडियस। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग आती है नोट करने वाली, अगर आपसे पूछा जाए कि वैन डर वाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में विच वन इज ग्रेटर,
कौन सबसे ज्यादा बड़ा होगा? तो थोड़ा सा सोचो तो आपको शायद आंसर मिल जाए कि आपका जो रेडियस होता है वैंडर वाल रेडियस और आपका कोवेलेंट रेडियस, उसमें से जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है वो कौन सा होता है? आपका वैंडरवॉल रेडियस। क्यों? अब सिंपल सी बात है, जो आपका कोवेलेंट रेडियस होता है उसमें क्या होता है, आप क्या बात कर रहे हो, बेसिकली आप शेयरिंग की बात कर रहे हो कि दो मॉलिक्यूल्स क्या थे, बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि उनके कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस है उन्हें पास आना ही पड़ेगा। अगर वो कोई मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाता है तो क्या है, उसे आपस में पास आना ही पड़ेगा। और हम वैन डर वाल के बारे में क्या करते हैं, आइसोलेटेड स्टेट, सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, एक जो थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, हम उसी को बोलते हैं वैन डर वाल रेडियस। सो जो अगर जिसने मॉलिक्यूल पास आएंगे तो ऑब्वियसली क्या है, डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो क्या है, ऑटोमेटिकली रेडियस कम होगा। सो इसीलिए बोला जाता है कि जो आपका वैन डर वाल रेडियस है विच इज ग्रेटर देन योर कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं बार ऐसा होता है कि जब आप वेरिएशन पढ़ोगे साइज का तो आप वहां पे देखोगे कि जो आपका कोवेलेंट रेडियस है जहां पे फैक्टर आ रहा है आपको खुद उस इस फैक्टर का यूज करके पता चलेगा कि किस एटम का साइज छोटा है। ठीक है, सो ये था आपका वैन डर वाल रेडियस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, और आपको मैंने बता दिया कि जो आपका वैन डर वाल रेडियस है वो क्या आपका नोबल गैसेस में भी प्रेजेंट होता है। तो जो नोबल गैसेस में क्या होता है कि अगर आप कह सकते हो इनर्ट गैस रेडियस भी पड़ा होगा आपने, इनर्ट गैस रेडियस की यानी इनर्ट मॉलिक्यूल के गैसेस की जो होती है रेडियस, तो वो क्या होती है, नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट योर थर्ड रेडियस विच इज योर मेटालिक रेडियस। सो नेक्स्ट हमारा मेटेलिक रेडियस। अब मेटेलिक वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि हम किसके बारे में बात करें, मेटल्स के बारे में। ठीक है, सो मेटल्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मेटल्स में हम जब भी बात करते हैं तो हमारा दिमाग में एक चीज आता है कि मेटल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को इजिली लॉस कर देता है। अगर हम एक सिंपल इक्वेशन से समझे, अगर एक ये मेटल है आपके पास, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, तो देने के बाद मैंने बताया कि प्लस साइन आता है और अगर वो लेगा तो नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, केमिस्ट्री में दो ही चीज आती है आपके, कटायन एंड आयन, और आप बेसिकली समझ सकते हो जो दानवीर होता है यानी कि जो देता रहेगा वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी डेफिशिएंसी हो जाती है उसे, क्या बोलते हैं, वो एक्वायर करता है पॉजिटिव चार्ज, उसके पास एक तरीके से आइडेंटिकल है यानी कि उसके पास एक ताज है प्लस का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लस चार्ज। प्लस चार्ज जहां भी दिख गया इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, और अगर माइनस चार्ज यानी कि वो एक तरह से क्या कहते हैं लेने वाला है, ठीक है, लेने वाला बंदा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसने चार्ज लिया है, तो उसे हम बोलते हैं एनायन। ये दो वर्ड एक बार बार रिपीट होते रहेंगे थ्रू आउट द केमिस्ट्री, आप चाहे यहाँ पढ़ो चाहे आप कहीं भी कोई भी केमिस्ट्री पढ़ो, तो ये बेसिक्स टर्म है। ठीक है, और इलेवेंथ क्लास में आपको क्या होता है, कुछ बेसिक्स टर्म्स आते हैं जहां पे अगर आपने यहाँ पे सीख लिया तो आपको आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं होगी। सो यहाँ पे था आपका ये मेटल, आपने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा और क्या बताया कि ये इसकी मेटल कटायनिक स्टेट है, इलेक्ट्रॉन है। सो बेसिकली जो ये मेटल आयन है, ये मेटल आयन है, इसको हम बोलते हैं क्या है, कर्नल है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कर्नल है, इसे हम कर्नल वर्ड से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो अगर हम बोले कि मेटेलिक बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है, कि अगर आप देखो कि अगर मैं आपको इस तरीके से समझा सकती हूँ कि आपने एक मेटल लिया है, मेटल में आपने क्या करा कि न्यूक्लियस है, ठीक है, दूसरा भी आपके पास मेटल है यहाँ पे, अब आपने क्या किया है, इस मेटल का और इस मेटल के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया, न्यूक्लियस है। सो जो इंट्रैक्शन होता है बेसिकली वो क्या होता है, इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के साथ, इसके न्यूक्लियस का इसके इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ। सो जो ये बॉन्ड होता है वो क्या होता है, बेसिकली आपका मेटेलिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, सो जो यानी कि जो मेटेलिक बॉन्ड है, द बॉन्ड बिटवीन, अगर हम मेटेलिक बॉन्ड को बोले तो बोलेंगे हम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है उसे हम मोबाइल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, एंड द कर्नल ऑफ द अदर एटम, ठीक है, कर्नल है किसी अदर एटम का, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या बना रहा है, मेटेलिक बॉन्ड बना रहा है। सो अगर हम उसकी बात करें तो मेटेलिक रेडियस आपका इस तरीके का होता है, ये आपके क्या लैटिस में दिखता है। अब यहाँ पे अगर हम बोले कि किसका ज्यादा होगा, अगर वेंडर वॉल आ गया आपके पास, मेटल आ गया और कोवेलेंट आ गया, सो सबसे ज्यादा आपका किसकी बात, आपका क्या होगा, वेंडर वॉल ही होगा ऑब्वियसली, अभी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि उसमें इंट्रैक्शन नहीं होता, इंट्रैक्शन नहीं होता तो मॉलिक्यूल ज्यादा पास नहीं आएंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो रेडियस भी ज्यादा होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, मेटेलिक या कोवेलेंट, सो यहाँ पे आपका आता है मेटेलिक, क्योंकि कोवेलेंट में तो शेयरिंग हो रही है ना, शेयरिंग में तो वो आधा इन्वॉल्व हो चुका होता है, लेकिन मेटेलिक में क्या होता है, एक तरीके से
अट्रैक्शन होता है, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, तो एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव पास आएंगे पर इतना भी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, ये ग्रेटर होगा बट लेस देन होगा वेंडरवॉल से, पर ग्रेटर देन होगा किससे, कोवेलेंट रेडियस से। सो यहाँ पे था आपका बेसिकली आपके तीन रेडियस पढ़ लिए हमने, एंड आपका जो लास्ट रेडियस है वो क्या है आपका आयनिक रेडियस, तो उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। So, अभी तक हमने मेटालिक रेडियस के बारे में पढ़ लिया, लेकिन हम आयनिक रेडियस के बारे में बात में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके साथ हमें दो तीन चीजें और सारी और चीजों के बारे में भी डिस्कस करना है, जिसमें बार बार क्वेश्चंस रिपीटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे, फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस का किस तरीके से वेरिएशन होता है, कहां पे, अलोंग अ पीरियड। अगर आपको एलिमेंट को आपने पता है, आपको जो वेरिएशन है पीरियोडिक टेबल में, आप पीरियड और ग्रुप में ही स्टडी करते हो, जस्ट कि हमारी स्टडी थोड़ी सी सिंपल हो जाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीरियड के बारे में बात करें। अगर हम पीरियड के बारे में बात करते हैं तो क्या उसका मतलब क्या होता है कि हम किसके बारे में बात करें, हम चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट, हम यहां से चल रहे हैं पीरियोडिक टेबल में और राइट हैंड साइड तक चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम लिथियम से लेकर नियॉन की बात करें, अगर हम सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं तो। अगर हम पीरियड में बात करते हैं तो पीरियड में एक्चुअल में जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, हम जनरली क्या करते हैं, सेकंड पीरियड पर ही सब चीजें बताते हैं, क्योंकि वो इजी होता है बोर बताना, ऐसा नहीं कि सबके साथ देखेंगे आप एक एक करके। बेरिलियम हो गया आपका, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, आई थिंक आप लोगों ने आपके एलिमेंट से वो याद कर लिए हैं, अगर नहीं किए तो प्लीज याद करिए, वरना आप ही को दिक्कत होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एटॉमिक रेडियस में क्या होता है, जनरली जो वेरिएशन होता है और क्यों होता है वो भी पढ़ेंगे। जो वेरिएशन होता है वो क्या होता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए तो वो क्या होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। जो आपका एटॉमिक साइज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन जो नियॉन होते हैं या उनके आपके नोबल गैसेस है, इनका साइज एक्सट्रीमली लार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें अभी पढ़ा है कि जो आपके इनर्ट गैसेस है और जो आपके नोबल गैसेस है वो क्या बनाते हैं, वेंडरवॉल रेडियस बनाते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो वेंडरवॉल रेडियस है वो क्या होता है, उनका रेडियस मच मोर ग्रेटर देन दी मेटालिक एंड दी कोवेलेंट रेडियस। तो बाकी सब आपके मेटालिक एंड कोवेलेंट बनाते हैं, लेकिन जो आपका नोबल गैस है वो क्या होता है, वेंडरवॉल बनाता है। तो इसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा है, इस कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है वन मार्क्स में कि ऐसा क्यों होता है, तो प्लीज आप इसको नोट करिए। और देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है बेसिकली कि अगर आप केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट योर एक्सेप्शन, लेकिन वहां पे एक्सेप्शन भी ऐसा नहीं कि कहीं पे आ गया, विद रीजन आता है, तो आपको रीजन देखना है कि एक्चुअल में वो ऐसा हुआ क्यों है। तो सेम आपको अगर आप रीजन के साथ पढ़ोगे तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हाँ बट अगर आप ऐसे पढ़ते हो कि एक फ्लो में पढ़ रहे हो और आपने सिर्फ कुछ चीजें रटी हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो वो एक टाइम पे रटी हुई चीजें क्या होती है, शॉर्ट टर्म होती है कि अभी याद रही कल याद नहीं रही, लेकिन आप समझोगे तो उसे लॉन्ग टाइम याद रहता है कि वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर रहता है। आप रिवाइज करोगे आपको आएगा, तो बेटर करोगे केमिस्ट्री को जितना ज्यादा आप समझ सकते हो उतना समझने की कोशिश करो, रटना बिल्कुल भी नहीं है। और अभी तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ था आपका एटॉमिक साइज के बारे में। अब यहाँ पे जो एक्सेप्शन, तो यहाँ पे मैं नोबल गैसेस को हटा लेती हूँ क्योंकि मैंने बोला इसका साइज एक्सट्रीमली लार्ज होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जो साइज होता है एटॉमिक रेडियस का वो क्या होता है, जनरली डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएशन होता है, अगर आप देख सकते हो तो स्क्रीन पर आ रहा होगा आपके पास ग्राफ, उसमें आप देख सकते हो जो लिथियम जो नाइट्रोजन जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। बट अप टू ऑक्सीजन जो साइज है, नाइट्रोजन तो डिक्रीज हो रहा है, जैसे आप ऑक्सीजन पे जाते हो जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। एंड देन फ्लोरीन का ऑक्सीजन से कम, सो लेकिन नाइट्रोजन का जो फ्लोरीन ऑक्सीजन और फ्लोरीन का वो क्या है, नाइट्रोजन से ज्यादा ही होगा। लेकिन अगर हम औरों के बारे में बात करें तो औरों से तो कम ही होगा, ठीक है। लेकिन जो ये वेरिएशन है, अभी तो हम फ्लो में चल रहे थे, अचानक ये फ्लो क्यों टूटा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा थोड़ा करके एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो आपने अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो आपको पता है नाइट्रोजन के पास जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 एटॉमिक नंबर होता है। जो इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है अकॉर्डिंग टू ऑफबाउर रूल तो क्या होता है, 2p3 होता है, ठीक है। एंड इसमें अगर ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, 2p4, और ये क्या होता है, 2p5। सो अगर हम 2p3 के बारे में बात कर रहे हैं तो 2p3 के बारे में इसे रफ कर लेती हूँ। अगर आप देखो कि अगर हम नाइट्रोजन के बारे में बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 एटॉमिक नंबर पे अगर आप डिस्कस करते हो तो उसमें क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बात कर रही हूँ मैं कि 1s2 2s2 आपका होता है 1s2 2s2 एंड 2p3 हमारा जो वेरिएशन होगा हम लास्ट के बारे में बात करेंगे। और जो आपका ऑक्सीजन होगा एटॉमिक नंबर, देखिए एटॉमिक नंबर अगर आपको याद नहीं होगा तो यहाँ पे ये दिक्कतें आपको स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, आने की। तो पता होना चाहिए आपके इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है।
सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8, और इसका जो कॉन्फिगरेशन होता है वो 1s2, 2s2 एंड 2p4, ठीक है, और बॉब के अकॉर्डिंग n प्लस l रूल जिसको बोलते हैं 2s2 एंड 2p आपका 5, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि जो आपका नाइट्रोजन है उसमें क्या होता है बेसिकली कि जो नाइट्रोजन में है 2p3, अगर हम इसे आपके ऑर्बिटल्स में देखें सब शेल के अंदर, अभी ऑर्बिटल्स क्या है हमने सब डिस्कस कर चुके हैं कि शेल के अंदर सब शेल के भी अंदर क्या ऑर्बिटल्स, तो बेसिकली जो पी के पास जो कमरे हैं उसे क्या बोलते हैं, हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। सो इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से अरेंज है, ठीक है, एंड पी फोर में क्या हो गया, एक ही बार इलेक्ट्रॉन आ गया, एंड इसके केस में देखोगे अगर तो क्या है 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऐसे ही भरने आपको इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंस रूल के हिसाब से, ठीक है। सो हंस रूल के हिसाब से आप ऐसे ही बोलते हो कि एक एक के पास सबसे पहले एक एक भरना, देन पेयरिंग स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर हम बेसिकली बात करें तो 2p3 में क्या होता है कि आपके हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो जो न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन है, जो पावर है उन शेल पर, ये आउटर मोस्ट शेल पर ही होगा। जैसे अगर आप इस केस में देखो तो आपके पास सपोज दैट यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, एंड आपके पास ये आपका क्या है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो जो ये अट्रैक्शन होगा वो क्या है, इसे हम बोलते हैं किसी भी न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज पे बेसिक पॉजिटिव चार्ज का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन होगा उस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम कि वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये वर्ड पहले भी पढ़ चुके हैं। सो जो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या होगा आपका ज्यादा होगा, कि जो ये न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को इजिली अट्रैक्ट कर पाएगा क्योंकि उसे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि शेल तो नंबर ऑफ शेल सेम है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल सेम है 2p पे ही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यहाँ पे पहले 3, अब एक ऑर्बिटल में आपके क्या है एक यहाँ पे 3 थे लेकिन अब क्या है 4 हो चुके हैं, यानी एक जगह आपके एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, भाई इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव है दोनों में कुछ ना कुछ तो ईगो होगा, ठीक है, वो आपस में आने ही नहीं चाहेंगे, आपको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, ठीक है, केमिस्ट्री का यही रूल है। सो बेसिकली आप क्या करते हो कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये फैक्टर डोमिनेट हो जाता है ओवर द न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर के ऊपर ये चीज भारी पड़ जाती है। क्या होता है एक्चुअली कि जैसे अगर सपोज दैट कि आपके पास मैं पढ़ा रही हूँ इस हॉल कोई हॉल है, ठीक है, तो होता क्या है कि जो कम बच्चे होते हैं बच्चों को ज्यादा इजिली क्या टीचर से वो अट्रैक्ट रहते हैं इंट्रैक्ट रहते हैं कि अब ये समझना है, टीचर का ध्यान रहता है बच्चों की तरफ। अब क्या है कि आपके पास टीचर एक है यानी कि न्यूक्लियस चार्ज आपका पास वही है, नंबर ऑफ शेल सीटें भी वही है, लेकिन क्या बच्चे बढ़ गए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं का डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होने लग जाता है। अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा दूसरा से मॉडिफाई वे में बोलूं कि अगर एक सीट में 3 बच्चे बैठे हुए हैं और वहां पे आप क्या कर सकते हो चौथे बच्चे को बिठा दो, तो 4 बच्चे बैठ सकते हैं वहां पे, भले की सीट 6 बच्चों की है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो वो होती है ना कंफर्टेबलनेस वो क्या हो जाती है डिक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। तो बस वैसे ही होता है यहाँ पे भी कि यहाँ पे बोलता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करता है तो इलेक्ट्रॉन हैवी नेगेटिव चार्ज वो क्या करते हैं आपस में क्या करते हैं रिपेल करते हैं एक दूसरे को, रिपल्शन क्रिएट करते हैं, तो वो फैक्टर यहाँ पे डोमिनेट हो जाता है। तो डोमिनेट होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस इसकी जो ये वाला न्यूक्लियस है ये अगर इलेक्ट्रॉन की तरफ अपना अट्रैक्शन ही दिखा पाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक और इलेक्ट्रॉन अगर रिपेल होने की कोशिश कर रहा है यानी कि बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या करेगा साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन का साइज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। और जो तो आपका जो फ्लोरीन है उसका साइज क्या होता है कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम है बट एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन उसका साइज क्या होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। तो सेम वे इसका रीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक और आ चुका है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है, मैं नाइट्रोजन के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर उसके कंपेरिजन में फैक्टर यहाँ पे देखें तो फ्लोरिन के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाता है तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है वो क्या होता है डोमिनेट हो जाता है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बारे में बात करूं तो वहां पे इसका जो आपका फ्लोरीन का साइज है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो है लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है थोड़ा सा इंक्रीज मतलब उसमें डोमिनेट हो जाता है। तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में फ्लोरीन का साइज छोटा होता है लेकिन एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन दोनों का साइज बड़ा होता है। तो ये था आपका जो थोड़ा सा उसमें एक्सेप्शन था। लेकिन अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में एटॉमिक साइज का जो डिक्रीज हो रहा है अलोंग अ पीरियड वो होता क्यों है।
वेरिएशन, अगर जनरल वेरिएशन की बात करें तो हम बोलते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या ऑन मूविंग फ्रॉम अलोंग अ पीरियड द साइज ऑफ द एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइजेस डिक्रीजेस. ऐसा क्यों होता है? बेसिकली अगर आप मूव करते हो लेफ्ट टू राइट तो होता क्या है कि जो नंबर ऑफ शेल है वो सेम रहते हैं. जो अगर आप बात करो कि ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, अब इसमें जो नंबर ऑफ शेल है वो क्या है, आपका फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, सेकंड पीरियड यानी सेकंड सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या है, सेम रहते हैं, ठीक है, थ्रू आउट. लेकिन वहां पे क्या होता है, दिक्कत कहां पे आती है कि जहां पे आपका शेल तो सेम है, ठीक है, क्लासरूम उतना ही है, बेंचेस उतनी है, लेकिन बच्चे की संख्या बढ़ चुकी है, यानी कि पहले में इलेक्ट्रॉन कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, तो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं साइज डिक्रीज होने लगता है. मतलब जो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं तो जो ये न्यूक्लियस चार्ज भी आप कह सकते हो कि वो भी क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे न्यूक्लियस में तो वो क्या होता है, उसको इजिली अट्रैक्ट कर सकता है. यानी कि यहाँ पे अब क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे शेल एक तरीके से सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो उसी शेल में बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ में क्या आपका प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, ठीक है, आपका न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. सो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका जो शेल होता है वो क्या होता है, जो ये न्यूक्लियस चार्ज है यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को क्या है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है. अगर उतनी डिस्टेंस तक आपको एक एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, सिर्फ एक सपोज दैट एक आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ रही है अट्रैक्ट करने के लिए, अब यहाँ पे आपके फ्लोरीन तक बहुत पॉजिटिव चार्ज बढ़ते गए तो आप उसको आराम से अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है. सो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज अच्छे से होल्ड कर सकता है, ज्यादा दूरी पे भी नहीं है, डिस्टेंस सेम है, तो क्या होता है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि साइज क्या होता है, डिक्रीज हो सकता है, ठीक है. सो जो इसका बेसिक रीजन है, अगर आप बोलो कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, बट जो आपका इलेक्ट्रॉन में और जो इंटर न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो क्या इंक्रीज हो जाता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, तो जो इफेक्टिव जो होता है ना पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन टुवर्ड्स है वो पुल्ड करता है न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस पुल्ड करता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से क्या एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है. सो ये थी आपका वेरिएशन अलोंग अ पीरियड. अब हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका वेरिएशन है वो अलोंग अ ग्रुप क्या है. सो अलोंग अ ग्रुप की अगर हम बात करें, अगर हम अलोंग अ ग्रुप के बारे में बात करें तो होता क्या है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ग्रुप में हम बात कर रहे हैं तो टॉप टू बॉटम के बारे में बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो आपका साइज होता है एटॉमिक रेडियस का वो क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो इंक्रीज क्यों होता है, जैसे आप देख सकते हो, अगर आप ग्राफ आपके सामने आ रहा है तो वहां पे आप देख सकते हो कि जो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट जब हम डाउन टू ग्रुप, सो आपका जो साइज है वो क्या कहते हैं कि इंक्रीज हो रहा है, एंड देन एक टाइम पे थोड़ा बहुत लिटिल बिट कॉन्स्टेंट होता है बट इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है. ऐसा क्यों होता है कि जो बेसिक रीजन है उसके पीछे वो ये है कि जब आप ऑन डाउन द ग्रुप जाते हो, एटॉमिक रेडियस में जाते हो, सो उसमें क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप एक बार एलिमेंट देख लेते हैं, हमने आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहे होंगे लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं कि जो आपके ऐसा कुछ होता है. आप बेसिकली आपने क्या इसको ट्रिक बहुत बार पढ़ी हुई है, सुना भी होगा लीना ने की रब से फरियाद, ठीक है, जो हमें बार बार पढ़ाया जाता है, लीना ने की रब से फरियाद, ठीक है, ठीक है. फरियाद तो FR वो तो हम बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव है तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे इतने एलिमेंट देख लेते, तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप अलोंग अ पीरियड ग्रुप बढ़ते हो, तो बार बार पीरियड इसलिए आ रहा है क्योंकि इतनी देर से पीरियड के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन हम माइंड को भी ऐसा करते हैं कि हम ग्रुप पढ़ रहे हैं, ठीक है. सो अगर हम ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है. अगर हम लिथियम के बारे में बात करो, लिथियम से जो आपका लिथियम से आप सोडियम आते हैं, लिथियम का आपका क्या होता है, आपका थर्ड होता है, 11 होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है. तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो आपका जो एटॉमिक नंबर है वो भी इंक्रीज हो रहा है, प्लस जो शेल है शेल का नंबर भी क्या है, बढ़ रहा है. ये सेकंड शेल पे आता है, इसके थर्ड शेल, फोर्थ शेल, तो जो आपका रेडियस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. अगर आप देखें तो आपका क्या होता है कि यहाँ पे तो आपका जो ये आपका न्यूक्लियस है एंड यहाँ पे आपका साइज सपोज दैट ये, फिर इस केस में क्या होता है, सोडियम के केस के बारे में बात कर रही हूँ तो ये थोड़ा और बढ़ता है, ठीक है, और बढ़ जाता है. फिर इसके केस में एक और शेल आती है, तो होता क्या ऐसे जैसे अमाउंट में, जैसे अगर सपोज दैट आप बोलते हो कि ये है शेल, नंबर ऑफ शेल क्या है आपका, बढ़ते रहेंगे. यहाँ पे ओवरलैप नहीं होगा, यहाँ पे इसे दिखा रही हूँ कि बोर्ड नहीं है तो आप देख सकते हो. तो क्या होता है, देखो आप एक तरीके से शेल नंबर ऑफ शेल भी क्या है, बढ़ते जा रहे हैं. तो उस केस में क्या होता है कि अगर जो अट्रैक्शन होती है, जैसे सपोज दैट आपको सिंपल से समझ सकते हैं कि अगर मैं क्लासरूम छोटा है, ठीक है, क्लासरूम छोटा है तो क्या, अगर टीचर पढ़ा रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा हो सकता है, टीचर हर एक बच्चे को देख सकता है.
टीचर तो अगर रूम बड़ा भी होगा तो भी आराम से इजिली देख सकता है, टीचर की नजर से तो कोई बच नहीं सकता। लेकिन जो मतलब ऐसा होता है कि एक तरीके से जो स्टूडेंट है, यानी कि जो कोई भी स्टूडेंट आएगा बाहर से या कोई भी, वो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन रह जाता है, इजिली इतना पूछा नहीं जाता, बच्चे नहीं पूछ पाते, ठीक है। तो जो वो शाइनेस है या फिर जो अनकंफर्टेबल जोन है उसको क्या बोलते हैं, उसकी वजह से क्या है, थोड़ी सी दूरी हो जाती है टीचर और बच्चों के बीच में, ठीक है। तो जब टीचर और बच्चों के बीच में वो थोड़ी सी दूरी हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ने लगता है। एंड दैट डिस्टेंस अगर हम बात करें इन अ केमिस्ट्री, तो वो क्या बोलते हैं हम इसके टर्म में, कि वो साइज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो शेल है, इलेक्ट्रॉन की जो पहुंच है, वो क्या है कि थोड़ा इलेक्ट्रॉन पहले पास था तो अब वहां पे अट्रैक्शन था न्यूक्लियस का, वो क्या आ रहा था, मतलब वो इजिली जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पा रहा था। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन का शेल है वो बढ़ते गए, ठीक है, तो क्या हो, जो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन की तरफ जो अट्रैक्शन है वो क्या हो गया, डिक्रीज होता गया, उतना इफेक्टिव नहीं रहा। सो जो डिक्रीजनेस हुई, जो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन जो वो इफेक्ट डिक्रीज हुआ, उसकी वजह से क्या साइज डिक्रीज होने स्टार्ट, मतलब इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो फ्रीडम फील करते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का कोई खौफ ही नहीं है, फील करते हैं कि बस हम फ्री हैं, तो बस एक्सपेंड होते रहते हैं। हाँ, जैसे आप लोगों को भी कोई खौफ नहीं रहता कि अब हमारे एग्जाम आ रहे हैं और अब तो कोरोना की वजह से और भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर एक सिंपल सी बात करें, तो आपका इन अ पीरियड अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि जो साइज होता है वो क्या होता है आपका डिक्रीज होता है एटम का, और जो अलोंग द ग्रुप बात करते हैं तो साइज क्या होता है इंक्रीज होता है। क्यों, रीजन भी आपने पढ़ लिया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक रेडियस। अब हम डिस्कस करेंगे योर आयनिक रेडियस के बारे में, कि आयनिक रेडियस होता क्या है।